नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। आज फिर से एक लड़की बींग अ गर्ल, एक लड़की सामने आई है और डेरा सच्चा सौदा में जो भी मीडिया में दिखाया गया है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती हैं और बयान दर्ज करवाना चाहती हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सिमरन। मैम, डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े? 2007 से। काफ़ी लंबा समय हो गया आपको। क्या कुछ आपने गलत होते हुए देखा है डेरा में? नहीं। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? प्लस टू। प्लस टू में आप एक यूथ हो, उसके बावजूद आप डेरा में आते हो, क्यों? यूथ होने के बावजूद आप डेरा सच्चा सौदा जैसी संस्था में जाते हो? मतलब क्या गुरु जी से आपको क्या सीखने को मिला? कितना विश्वास है गुरु जी? मीडिया में इतना कुछ गंद दिखाया गया, क्या कहना चाहोगे आप उसके बारे में? पहले तो बात देखा नहीं है, मतलब जो भी था तो खुद ही बनाया हुआ था उन्होंने। बाकी डेरा में लड़कियां जो हैं कितनी सुरक्षित है, कितने सुरक्षित तो आप महसूस करते हो? तो कहीं नहीं। क्या लगता है आपको, समाज को आज गुरुजी की जरूरत है? वैश्यावृत्ति को गुरुजी ने किस तरीके से, जैसे मुख्य धारा में उन लोगों को लेके आए, वैश्यावृत्ति में लिप्त लड़कियों को? उन्होंने कोई नहीं करता ऐसे, उन्होंने उनकी शादियां वगैरह करवाई। क्या आर्मी के लिए गुरुजी ने कुछ किया है? हाँ जी, ब्लड डोनेशन वगैरह बहुत कुछ करवाया उन्होंने।